हेलो एवरीवन। तो यार हमारी आईपीएम 2022 सीरीज़ में आज मैं आप लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आ रहा हूँ, जो कि है, आप पढ़ ही सकते हो, कट ऑफ एनालिसिस ऑफ आईपीएम जो कि आपके प्रीवियस ईयर में रहा था। और सिर्फ आई एम इंदौर की बात नहीं करेंगे, रोहतक, रांची, बोधगया, जम्मू सबकी करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप इस साल उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये समझना है कि भाई यहाँ पर हमें बोर्ड्स की तरह, ट्वेल्थ की तरह, स्कूल की तरह 98-99% नहीं लाने, बहुत कम कट ऑफ जाती है क्योंकि कंपटीशन में एग्जाम डिफिकल्ट रहता है। तो हमें इसको दिमाग में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन, टारगेट्स को अपने दिमाग में रखते हुए करनी चाहिए। एंड मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, हमारी हमने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है आईपीएम 2022 की, जिसमें हमने टाइम टेबल आपको प्रोवाइड किया, कैसे आप इतने कम टाइम में पूरा सिलेबस कवर करोगे। उसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, यह बताया है कि आईपीएम किन कॉलेजेस के अगेंस्ट वर्थ इट है या नहीं है, सारी चीजों के ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई है, पिंड कमेंट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जरूर देख लेना, सब सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस वहां मिलेंगी। अब देखो, मैं आप लोगों के लिए सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे लेके आया हूं कि आप लोगों की क्या कहते हैं इंदौर के कट ऑफ, फॉर एग्जाम पैटर्न, रोहतक वगैरह सब बात करेंगे। बट इससे पहले मैं आपको एक चीज बस बताना चाहता हूं, देखो हमारा फ्लैगशिप बैच जो है, जो आईपीएमएट प्रिपरेशन के लिए है, उसकी आपकी एनरोलमेंट डेट कल फुल एंड फाइनल है, उसके बाद हम एनरोलमेंट नहीं लेंगे क्योंकि 10 जून से हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं इस कोर्स की। तो आपको अगर एनरोल करना है तो फटाफट से डिटेल्स ले लीजिए। 8000 का कोर्स था बट हमने 6000 का कर दिया है, लिमिटेड टाइम को दिमाग में रखते हुए। और आपको इस कोर्स में सब कुछ मिलेगा, फैकल्टीज मिलेंगे आपको टॉप नॉच, जो कि आपको इस एंट्रेंस के लिए प्रॉपरली लेक्चर्स देंगे। उसके अलावा लाइव आपको सेशंस मिलेंगे 10 जून से, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज और प्रॉपर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराया जाएगा। घर पे हैंड रिटन बुक्स डिलीवर होंगी, जिनमें इजी, मीडियम, डिफिकल्ट लेवल पे बाइफर्केशन एंड डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस आईएएम्स के लिए ही हमने निकाले हैं फॉर द मोस्ट पार्ट। उसके अलावा आईपीएमएट स्पेसिफिक बुक रहेगी, जिसमें आपको हर सेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, उनके वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स के, और उसके अलावा डाउट सपोर्ट मॉक्स मिलेंगे, 15 मॉक्स आई एम इंदौर के, 10 आई एम रोहतक के, और भी कई सारे मॉक्स आपको मिलेंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी इंक्लूडेड है। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अपनी फटाफट एनरोलमेंट करवा सकते हो। तो अब आगे बढ़ते हुए इस नंबर पे कर लेना, ठीक है, कल क्लोज हो रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। देखो ऑल्दो आपको पता है, बट क्विकली एक बारी गो थ्रू कर लेते हैं। देखो ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, आप स्क्रीन, आप अपना रिकॉर्डिंग पॉज करके भी देख सकते हो, क्या कहते हैं ये सारे आपके एलिजिबिलिटी है। बट इसमें एक स्टार्क जो चीज हमें नोट करने वाली, वो ये है कि आई एम इंदौर के केस में आपको सिर्फ 10th 12th में पास होना जरूरी है, आपको कोई उसके अलावा रिक्वायरमेंट नहीं है, एज रिक्वायरमेंट है वो आपकी रहती है। और आई एम रांची के केस में, जो कि थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, उसके केस में आपका, हमारी यहाँ पे कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, कितनी भी एज का इंसान यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, बट 10th 12th में 60% चाहिए, और बाकी तो सारे आप पॉज करके देख ही सकते हो, राइट। अब बात कर लेते हैं हमारे सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ड्रीम कॉलेज की, जो कि है आई एम इंदौर। देखो आई एम इंदौर में हम पहले एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं इस साल। देखो इस साल हमारा एग्जाम पैटर्न क्या चलने वाला है, जो हमारा 2020 से पहले चलता था, ठीक है, यानी कि 40 क्वेश्चंस क्वांट्स के आपके आएंगे एमसीक्यू, 20 क्वेश्चन आएंगे क्वांट्स के आपके सब्जेक्टिव, जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, और 40 क्वेश्चंस आएंगे आपके वर्बल के, और हर सेक्शन के आपको 40 मिनट्स की टाइम मिलेगी, टाइमिंग आपकी बाउंड रहेगी। आपके किस ऑर्डर में आएंगे सेक्शन, ये इन्होंने कहा है नहीं पता, नहीं हम बताएंगे, 4 मार्क्स करेक्ट के और 1 मार्क्स नेगेटिव इनकरेक्ट का, ठीक है, ये तो बेसिक्स हो गए, आपको पता होगा। अब आ जाता है कट ऑफ के ऊपर। देखो सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों के आगे जो कट ऑफ रख रहा हूँ, इसमें आप एक चीज नोटिस करेंगे, मैंने 2022 और 2021 की कट ऑफ यहाँ नहीं रखी है, क्योंकि उसके बारे में बात करना, उसको एनालाइज करना बिल्कुल यूजलेस है, क्योंकि उस टाइम पे आप लोगों के क्वेश्चंस लगभग आधे हो गए थे सारे सेक्शंस में, और आपका टाइम जो था वो हर सेक्शन में 10 मिनट से रिड्यूस कर दिया था, हर सेक्शन में 30 मिनट्स का था, कोरोना को दिमाग में रखते हुए उन्होंने कुछ ऐसा लॉजिक निकाला था। तो ये चीज के दिमाग में रखते हुए ना, आप लोगों के लिए 2020 और 2021 की बिल्कुल भी नीड नहीं है एनालिसिस करने की, उसको कंसीडर करने की। वी विल इन 2022 वी विल बी गोइंग बैक टू द ओल्ड पैटर्न विच वी वर फॉलोइंग इन 2019 एंड 2020। अब देखो इनकी कट ऑफ को एनालाइज करें तो हमें सिंपल क्या देखने को मिल रहा है, हमारा क्वांट्स
ऐसे की हम बात करें तो भाई हमारे 4 क्वेश्चंस सही आंसर मार्क करने पे 20 में से हमारी कट ऑफ क्लियर हो रही थी, और हमारी 2019 में 5 क्वेश्चंस पे बात पहुंच गई थी। 20 में से सिर्फ 5 क्वेश्चन करेक्ट मार्क करने पे आपकी कट ऑफ क्वांट्स ऐसे की क्लियर हो रही थी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने कम मार्क्स लाने पे भी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ रही है, तो इस चीज को समझना है। अब आप 2022 में इसको ज्यादा से ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 6-7 जा सकता है, क्योंकि कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है। ठीक है, ऑफ कोर्स पेपर की डिफिकल्टी पे भी डिपेंड करेगा, बट आपको यह मान के चलना है कि 5-7 आपकी क्वांट्स ऐसे की कट ऑफ जाने वाली है। ठीक है, इतनी आप लेके चलो अपने 2022 के लिए। अगर हम क्वांट्स एमसीक्यू की बात करें, ठीक है, तो हमारे यहां पे कितने क्वेश्चंस हैं, 40 क्वेश्चंस हैं, 40 यहां पे क्वेश्चंस हैं हमारे। उसमें से 2018 में क्या सीन था, 25 क्वेश्चंस, यानी कि लगभग हमारे कितने हुए, 7 क्वेश्चंस पे हमारी कट ऑफ क्लियर हो रही थी। बट अगले साल थोड़ी सी बात बढ़ी और हमारे लगभग 9 क्वेश्चंस पे हमारे लिए बात पहुंच गई। 9 नहीं हुए यार, मेरे से कुछ गलती लग रही है कैलकुलेशन में। ठीक है, 6 हमारे यहाँ पे है और 8 हमारे यहाँ पे है। ठीक है, देखो वीडियो बनाते हुए ना तेज करना होता है, इसलिए ऐसी छोटी मोटी कैलकुलेशन एरर्स हो जाती हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे इतनी है। अब देखो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगेन आपकी 2022 में डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी ऑफ द एग्जाम, आप ऑफकोर्स 2019 का पेपर रेफर करोगे ही करोगे, 18 का भी पेपर देखोगे ही। तो आप लोगों को ये देखना है कि आप लोगों के लिए यहाँ पे कट ऑफ 8-10 क्वेश्चंस की जा सकती है, या फिर हम मान के चलो कि 32-40 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे कट ऑफ। ठीक है, अब बात कर लेते वर्बल की, 85 और 71। हमारा 2019 में थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्टी बढ़ गया था, इसलिए कट ऑफ चली गई थी कम। तो यहाँ पे लगभग 40 क्वेश्चंस हमारे यहाँ होते हैं, इन 40 में से लगभग आपको 22 क्वेश्चंस करेक्ट करने थे भाई 2018 में, बट हमारी यहाँ पे कट ऑफ गिर के कितनी हो गई, 18 क्वेश्चंस की हो गई। तो आप 2022 में यही 18-24 क्वेश्चंस करेक्ट मार्क करने का टारगेट आपको रखना है। ऑब्वियसली अब एरर आपको कम से कम रखना है ताकि आप इन क्वेश्चंस के मार्क्स की ही रेंज में फॉल करो। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूं, जो कई बच्चे नोट करना भूल जाते हैं, ये कट ऑफ्स हैं सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू की कॉल आने की। ये आपकी कट ऑफ का मतलब बिल्कुल दूर दूर तक ये नहीं है कि हाँ भैया इतने ही मार्क्स लाने हैं IIM इंदौर में सेलेक्ट होने के लिए, या रोहतक वगैरह की भी दिखाऊंगा उनमें, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो नेक्स्ट पेज पे आके देखो, आपका फाइनल कंपोजिट स्कोर जिसके बेसिस पे रैंकिंग्स निकलनी है, उसमें आपके एप्टीट्यूड को 65% वेटेज और इंटरव्यू को 35% वेटेज मिल रही है। ये जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनकी इंटरव्यू की कॉल आई थी। अब इंटरव्यू में भी दे कॉल अराउंड 600-900 स्टूडेंट्स, और उनमें से सिर्फ 150 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, तो यानी इंटरव्यू प्रोसेस में भी निकलने के चांसेस हैं। अब इंटरव्यू प्रोसेस में भी फाइनल आगे जाके बढ़ने का तरीका क्या है, एक तो ऑफकोर्स ऑब्वियसली आप इंटरव्यू अच्छा दो, उसके अलावा एप्टीट्यूड में भी आपका मैक्स टू मैक्स स्कोर रहे। तो हमें कोशिश यहाँ पर करनी है, जो हमारी 2019 की कट ऑफ थी उसका क्वेश्चन पेपर देखो, वैसी डिफिकल्टी का 2022 में एग्जाम आता है, तो आपको लगभग 10% फालतू मार्क्स लाने की कोशिश करनी है बेयर मिनिमम इन कट ऑफ्स के मुकाबले, ताकि आप लोगों के लिए एक अच्छा चांस बन पाए सिलेक्शन का। सिर्फ इंटरव्यू नहीं चाहिए हमें, इंटरव्यू से कुछ नहीं मिलने वाला हमें, ठीक है, हमें चाहिए एडमिशन। अब बात कर लेते हैं IIM रोहतक की। ठीक है, IIM रोहतक का यार एग्जाम पैटर्न आपका वही है, ठीक है, 40 मिनट्स हर सेक्शन के मिलने हैं, 40 क्वेश्चन हर सेक्शन में होने वाले हैं, क्वांट्स LR और वर्बल में। ठीक है, अब यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं है IIM इंदौर की तरह, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके वही 4 मार्क्स सही के 1 मार्क्स कटेंगे आपके गलत आंसर के, राइट। अब आप लोगों को यहाँ पे ये भी एक चीज़ लिखी हुई है कि आपको कोई भी अगर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करते तो उसका कोई डिडक्शन नहीं होगी, बहुत ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हुए आपकी कट ऑफ क्या रही थी। अब देखो सबसे बड़ी बात, मैं IIM इंदौर की IIM रोहतक की यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2021 की कट ऑफ लेके आ रहा हूँ, 2022 की नहीं लेके आ रहा, 2020 की नहीं लेके आ रहा, क्योंकि IIM रोहतक के केस में 2021 में फेयर एग्जाम हुआ था सेंटर बेस, पर 2020 में मुझे नहीं पता, कमेंट सेक्शन में जाके बताना आपको पता, अगर आपको पता है कि कितना बड़ा सर्कस हुआ था 2020 में। IIM रोहतक ने गूगल फॉर्म्स पे
एग्जाम लिए थे और बच्चों ने हद से ज्यादा चिटिंग करी थी, बहुत ज्यादा गलत एग्जाम हुआ था। तो 2020 को तो बिल्कुल ही भूल जाओ, इसको तो काट ही दो, इसकी तो कट ऑफ देखनी भी नहीं है। हम 2021 की कट ऑफ की बात करें तो हमारी जनरल की कट ऑफ 295 मार्क्स थी। तो भाई तुम खुद कैलकुलेट कर लो आपके यहाँ पे एग्जाम कितने मार्क्स का है, आपका यहाँ पे एग्जाम है 480 मार्क्स का। अब उसमें से हमें 265 मार्क्स की हमारी वेटेज है, ठीक है। तो आप लोग ये मान के चलो कि यहाँ पे कितने क्वेश्चंस हो गए, 265 हमारे हो गए यहाँ पे लगभग 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 66 क्वेश्चंस के अराउंड, ठीक है, इफ आई एम राइट ऑन माय मैथ्स। तो आपको ये कट ऑफ थी लास्ट ईयर, बट आपको ये मानना है इससे पिछले साल 2020 को छोड़ो, बट 2018-19 के अराउंड 280s में भी कट ऑफ चली जाती थी। तो यहाँ पे आपका मिनिमम टारगेट 300 मार्क्स होना चाहिए, प्रोवाइडेड हो, मैंने चीज़ बोली है दिमाग में रखते हुए, ठीक है। अब देखो कि क्या कहते हैं, अब देखो यहाँ पे ये भी समझना है कि आपका ये तो कट ऑफ्स हैं, मैंने अभी बोला ना कि इंटरव्यू के को ही लाना हमारा टारगेट नहीं है, तो इतना लेके चलो, बट हाँ इसमें 10-20 मार्क्स ऊपर नीचे चलती रहती है कट ऑफ, ठीक है। बट आईएम रोहतक में एक केस ये भी है, आपके एप्टीट्यूड एग्जाम को आपके इंटरव्यू की कॉल के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसी के बेसिस पर इंटरव्यू की कॉल आएगी, बट फाइनल सिलेक्शन में एप्टीट्यूड की इतनी वेटेज नहीं है, 45% है, 15% इंटरव्यू की वेटेज है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी वेटेज आपकी 10th-12th के मार्क्स को दी है, यानी 20% आपके 10th के मार्क्स को, 20% आपके 12th के मार्क्स को, ठीक है। तो अगर आपके 10th-12th में भाई मार्क्स अच्छे थे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, बट अगर आपने अपने 10th-12th में करें भारी पाप तो भाई आपको फिर वो रोहतक के पास यहाँ पे उनको भुगतना पड़ सकता है, पर दूसरे आईएम्स आपके लिए कूल हैं इन चीज़ों को लेकर, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आईएम रोहतक और इंदौर की बात कर ली, आईएम रांची की नहीं करी। देखो आईएम रांची की कट ऑफ आपकी आईएम इंदौर के एग्जाम के बेसिस पे ही रहती है, ठीक है, सैट भी रहता है, बट मेनली आईएम इंदौर के थ्रू बच्चे एडमिशन लेते हैं, ठीक है। अब देखो आपको ये मान के चलना है आईएम रांची अपनी कट ऑफ नहीं बताता है इंदौर की, वो कितने पे लेते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं बच्चों को इंटरव्यू के लिए, ठीक है। बट यहां पे ये समझना जरूरी है कि हम हमेशा टारगेट आईएम इंदौर को करते हैं, ऑफ कोर्स इससे कम कट ऑफ जाएगी आईएम रांची, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट वी ऑलवेज एम फॉर द मून, एटलीस्ट यू विल एंड अप विद अ स्टार, ठीक है। तो आपको आईएम इंदौर में ये वाली कट ऑफ को ही टारगेट लेके चलना है, आईएम रांची की तो अपने आप बात बन ही जाएगी अगर आप इनको सक्सेसफुली लाते हो। अब बात कर लेते हैं हमारे फाइनल जिपमैट की। जिपमैट में हमारी देखो सबसे मजे की बात यहाँ पे ये है कि ये एनटीए करवाता है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एडमिशन के लिए आपके एग्जाम के आपके इसके जो एप्टीट्यूड है मार्क्स माने जाते हैं और कोई मार्क्स यहाँ पे लेते ही नहीं है वो, ठीक है। अब आप लोगों को कोई टेंशन नहीं लेने की इंटरव्यू होगा और 10th-12th के कुछ नहीं, सिर्फ इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके आना। डिफिकल्टी एग्जाम लेवल बता दूं, आईपी मैट रोहतक और जिप मैट का इजी टू थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट में रहता है, बट बहुत डिफिकल्ट नहीं जाते हैं, एग्जाम से इजी ही रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है, जबरदस्ती इनको 100 किया गया, 33, 33, 34, बट जो भी है 4 मार्क्स वही मिलेंगे आपको, टोटल मार्क्स यहाँ लिखे हुए हैं। अब देखो जिपमैट के केस में इन्होंने हमें मार्क्स नहीं बताए थे कि कितने मार्क्स पे इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया था, लास्ट ईयर इन्होंने हमें परसेंटाइल दी थी कि भैया अगर आपका आईएम आप देखोगे जम्मू की या फिर अगर हम आईएम बोध गया के कट ऑफ देखोगे तो 80% हमारी कट ऑफ रही थी आपकी आईएम बोध गया की और 81 थी जम्मू की। परसेंटाइल का क्या मतलब है कि भाई जितने भी बच्चों ने एग्जाम में कॉम्पीट किया है उनके जब सबके मार्क्स में आप कंपेयर करोगे, सबको रैंक वाइज रखोगे, तो 80% लगभग लगभग बच्चों से आपके ज्यादा मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्राइटेरिया रहता है एग्ज़ाम का, हमें मार्क्स नहीं पता कि कितने पे इतनी आती है, सेक्शनल कट ऑफ यहाँ रहती नहीं है, मेन चीज़ यहाँ पे ये है। बट जिपमैट का एग्ज़ाम मीडियम से स्लाइटली डिफिकल्टी क्वेश्चंस लेता है, तो अगर आप आईएम इंदौर के लिए रोहतक के लिए कर रहे हो ना टारगेट, तो जिपमैट के मार्क्स आपके अपने आप आ जाएंगे, उसका सिलेबस अपने आप कवर हो जाएगा, उसकी प्रिपरेशन आपकी अपने आप हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी हमारी की सारी की सारी आपकी डिटेल, सारी कट ऑफ, सारी एक्सपेक्टेशन, ठीक है। आपको बस मैं फाइनल नोट पे अगेन बोलना चाहूंगा, कल बैच खत्म हो रहा है, अभी भी आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो, अभी भी प्रिपरेशन कंप्लीट करने के चांसेस है, बट अगर आप फिर भी 2-3 दिन आप वेट करोगे तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो आप एनरोल कर सकते हो नंबर पे कॉन्टैक्ट करके। बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय।